बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी इंतजार सिंह, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है, जिसे पढ़ करके लोग ज्ञान का प्राप्त करें कि वो वस्तुतः है यह मंदिर है क्या, और इस मंदिर में कौन सा गुण है, और किस प्रकार से इस मंदिर के पढ़ करके इस जान करके हमको कितना अनुभव कितना ज्ञान होगा, इस दृष्टि से रख करके पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, क्योंकि विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता। और विवाद हट गया है, अब निर्विवाद जो समस्या है उसको छात्र पढ़ेंगे, पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये रहेगा कि हाँ राम मंदिर का जो स्वरूप है वर्तमान समय में क्या है, भविष्य में क्या रहा, और उसमें जो विवाद रहे सब खत्म हो गए हैं। देखिए, ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें ना पढ़ाई जाए, ना कोई चीज़ जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया है, उनका स्वागत भी करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। आज जो है, आज हमारे त्यौहार का दिन है, उनको मुबारकबाद भी देते हैं।